नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और मई का महीना चल रहा है और गुड़हल में मेरे बहुत ही फूल आ रहे हैं। जब से मैं लेके आई हूँ इसमें, तब से फूल बने हुए हैं। ये एक साल पुराना पौधा है मेरा हो गया है और इसको पिछले जून में मैं रिपोर्टिंग की थी और अभी जून के महीने में फिर से करूँगी मैं रिपोर्टिंग। तो मैं आज इसमें पुनः मैं इसमें खाद डालने आई हूँ, लेकिन मैं इसमें कोई भी रासायनिक खाद नहीं दूंगी, क्योंकि रासायनिक खाद अभी गर्मी में पौधों के लिए बहुत नुकसान करता, पौधे जल जाते हैं, इसलिए मैं रासायनिक खाद इसमें कोई भी नहीं दूंगी। तो आपको मैं बताने वाली हूँ इसमें कि ठंडा खाद क्या डालें आप इसमें। तो ऐसी खाद डालें जिसमें पौधे को ठंडक महसूस हो। खाद डालने के पहले मैं इसको गुड़ाई कर ली रही, इसकी एक दिन पहले गुड़ाई की थी और इसे धूप में ही रख दी थी ताकि इसमें जो भी फंगस लगे हुए हों जड़ में तो वो निकल जाएं। और आज पुनः मैं इसे फिर से गुड़ाई करके इसकी जो भी रूट दिखाई दे रही है उसको मैं कट कर दूंगी, कट करके निकाल दूंगी और इसके बाद फिर मैं इसमें खाद दूंगी। तो कौन सी खाद दूंगी आज मैं आप उसको बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ रही है तो हम इसमें गोबर की खाद दे सकते हैं, और जो ऑनियन के छिलके निकलते हैं आप उसकी लिक्विड को पानी में डुबा के और दे सकते हैं, और जो कंडे हैं कंडे को आप फुला दें पानी में और उसके पानी को आप दे सकते हैं तो उससे भी ठंडक रहेगी पौधों में। और गर्मी में आप बनाना पील के का लिक्विड भी दे सकते हैं, इससे पोटेशियम की मात्रा होती है जिससे अच्छे फ्लावर आपके पौधे में आते रहे। खाद देने के बाद में मैं अब इसमें मिट्टी डाल दी हूँ। मेरे गुड़हल के प्लांट में कितने सारे फूल आ रहे हैं, कलियाँ भी बनी हैं। अब जून के महीने में इसे मैं पूरा कट कर दूंगी और हार्ड ब्लूमिंग कर दूंगी इसकी, और इसको फिर से रिपोर्टिंग करूंगी। और इसकी जितनी भी पीली पत्तियां हैं आप इसको निकाल दें। अभी अप्रैल के महीने में पानी गिर रहा था तो इसमें कुछ फंगस भी लग गए थे कलियों में, लेकिन मैं इसमें नीम के पानी का स्प्रे करी तो सब फंगस हट गए हैं। अब देखिए इसमें पानी मैं दे रही हूँ, दोनों टाइम पानी देती हूँ सुबह और शाम। तो अब तेज़ धूप में रखा है ये मेरा प्लांट और अभी भी अच्छे फ्लावर इसमें आ रहे हैं।